हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं जो निकल रही है 19,170 पदों पे। और यदि आप 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करें। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप कैसे भाग लेंगे, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हम सबसे पहले बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं और इसके बाद में फॉर्म भर के दिखाएंगे कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा इस पोस्ट के लिए। यहाँ हम बात करें, वैकेंसी जो है आपको पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से मिल रही है। वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट से जारी की गई है वो जारी की गई है पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग से। और यहां वैकेंसी किस पोस्ट के लिए जारी की गई है वो हम आपको क्लियरिटी यहां बता देते हैं। तो यहां आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ग्रामीण ये जो ग्राम और वार्ड जो है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम और वार्ड है उनमें जो है सेविक पदों के लिए ये फॉर्म निकल के आया है। वार्ड में गार्ड सेवक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है विभाग। तो ये फॉर्म जरूर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में यहां सरलीकरण में हम आपको बता देते हैं पद का नाम, ग्राम वार्ड गार्ड, यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें गार्डों की जो वैकेंसी की काफी समय से मांग की जा रही थी सरकार से, ये वे जो वैकेंसीज है निकाल दी गई है। काफी समय पहले ये मांग हुई थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वार्ड जो है सेविक होना चाहिए और इसके बाद गार्ड होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और फॉर्म भी मांग लिए हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहें। पद का नाम यहां आपको ग्राम वार्ड गार्ड की यहां आपको वैकेंसी बताई है। पदों की संख्या की बात करें तो 19,170 वैकेंसी आपको यहां मिल रही है। टोटल वैकेंसी आपको कितनी मिल रही है, 19,170। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जो है गार्ड लगाया जाएगा और इसी के आधार पर वार्डों में भी ये नियुक्ति होगी। ये वैकेंसीज प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वैकेंसी निकल के आई है। तो आप अपने ग्राम पंचायत की एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो या अदर ग्राम पंचायत के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ इसमें नियम और शर्तें बताई गई है वो हम आपको बताएंगे। वेतन की बात करें तो 15,000 रुपये इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। यदि आप इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हो तो 15,000 से लेके 40,000 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन है वो दिया जा सकता है। और इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो नॉर्मली यहाँ 10th पास यदि हैं तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप 10th पास हैं। और इसी के साथ साथ पद श्रेणी यहाँ बताई गई है। पद श्रेणी से पहले एज क्राइटेरिया भी आपको बताया गया है, 18 से लेकर 35 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, इसमें महिला भी अप्लाई कर सकती है और फीमेल भी अप्लाई कर सकती, सॉरी यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पद श्रेणी यहाँ रखी गई है सेंट्रल, यानी कि आप कहीं से भी हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपका बोनोफाइड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे आपके पास होना चाहिए उस ग्राम पंचायत का राशन कार्ड, उस ग्राम पंचायत का राशन कार्ड है तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ग्राम पंचायत से हैं तो आपकी ग्राम पंचायत का आपका राशन कार्ड बना हुआ है, या कुछ अन्य सर्टिफिकेट है कि आप उस ग्राम में निवास करते हो तो उसी ग्राम के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई। आवेदन कैसे करना है, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में चयन यहाँ दो प्रकार से आपको बताया गया, इसमें चयन लिखित परीक्षा से भी हो सकता है और इंटरव्यू भी आपका लिया जा सकता है। काफी समय से जो रिक्रूटमेंट की जो वेट कर रहे स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, लेकिन इस बार विभाग ने क्लियर बताया है कि आपकी लिखित परीक्षा होगी या लिखित नहीं होगी तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन पिछली बार की भर्ती प्रक्रिया यदि बात करें तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो निकल के आई थी मेरिट बेसिस पे, लेकिन इस बार भर्ती प्रक्रिया में चेंज कर दी। तो फ्रेंड्स, आप अभी देख सकते हो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के आधार पर हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हो जो आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक की सहायता से आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। जो वेबसाइट देख सकते हो यहाँ ग्राम ग्राम वार्ड वॉलेंटियर की यह वैकेंसी आपको जो मिल रही थी उसमें देख सकते हो अप्लाई फॉर्म
ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद में यहाँ देख सकते हो स्टेप फर्स्ट आपको यहाँ प्रथम पेज आपके सामने खुल जाता है, चेक योर जो है शैक्षणिक योग्यता। आप यहाँ चेक कर सकते हो अपनी योग्यता, तो यहाँ नॉर्मली आपको 10th पास लगा देनी है। इसके बाद में सेकंड पेज आपके पास ओपन हो जाता है और ये देख सकते हो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको बता देते हैं। आप लिख भी सकते हो ग्राम वॉलेंटियर्स टू गवर्नमेंट डॉट इन पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।